Hello students, let's see the options. The question is having assertion and reason. You have to select the right option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is, plants could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water. तो ये जो है ये तो सही दिया हुआ है, क्योंकि प्लांट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे जो है CO2 एंड वाटर जो है ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, शुगर कह सकते हैं, और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, और ये होगा कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, एंड सिंथेसिस किसका होगा, C6H12O6 ग्लूकोज, और बनेगा क्या है यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम देखें इससे जो है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के अलावा शुगर तो बनी रहा है, इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स, देन यहाँ पे ऑक्सीजन, और बैलेंस अगर हम करें तो यहाँ पे अगर हम देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, देन यहाँ पे अगर हम देखिए 6 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 12 से, देन यहाँ पे 6 से, अगर हम देखिए ये बैलेंस ऐसे होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CO2 एंड वाटर यूटिलाइज हो रहा है कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए, और यहाँ पे जो है लाइट एनर्जी यूज हो रहा है, तो लाइट एनर्जी यूटिलाइज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, सही दिया हुआ। रीजन क्या है, इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, ये जो है ये तो सही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें ग्रीन प्लांट में H2O का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर का स्प्लिटिंग होगा, जो फोटोलिसिस होता है उससे क्या होता है, ये जो है इसका क्या होगा, ये ब्रेक होके यहाँ पे 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन PS2 को मिल जाएगा, और इसके अलावा जो प्रोटॉन है उससे क्या होगा, ल्यूमेन में कंसंट्रेशन इंक्रीज जो प्रोटॉन का हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोटॉन जब मूव करेगा ATP सिंथेसिस के थ्रू स्ट्रोमा में, तो उससे जो है ATP जनरेट हो रहा है, ATP सिंथेसाइज हो रहा है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, अगर हम देखिए यहाँ पे H2O जो है ये हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, सही दिया है, एंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन में, सही दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों यहाँ पे सही है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है असर्शन का, कि यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ दिया कि लाइट एनर्जी यूज होता है इससे ये बनाने में, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो वाटर जो है उसको हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है एंड ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन में, दोनों सही है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है असर्शन का, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द assertion, गलत है, क्योंकि रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है assertion का, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द assertion, सही दिया है, दोनों ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है assertion का, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, गलत है, रीजन फॉल्स नहीं है, ट्रू है, बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, गलत है, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों ट्रू है, करेक्ट आंसर विद द सेकंड वन, होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू ऑल द